नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआईडीटेक में स्वागत है। सेवारत ऐसे तमाम शिक्षक लैपटॉप या कंप्यूटर तो छोड़े स्मार्टफोन तक नहीं चलाया, और फीडिंग बिना संसाधन दिए बेसिक शिक्षा विभाग फीडिंग पर दे रहा है जोर। तो ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये समस्या इतनी जटिल होती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे अंतिम तारीख आती जा रही है लोगों की समस्याएँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। मैं कम से कम 50 लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने बड़ी मुश्किल से तो स्मार्टफोन चलाना सीखा है। ठीक है, हमारे पिताजी इन्हें बहुत मुश्किल से चलाया, क्या मतलब केवल फ़ोन ही उठा लेते हैं, व्हाट्सअप थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, खासकर जो जो लोग रिटायरमेंट मतलब जिनकी नौकरी 4-5 साल बची है उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो उस कंडीशन में कैसे फीडिंग होगी, ये एक समस्या आने वाली है, बहुत तगड़ी आने वाली है। तो फिर इससे संबंधित वीडियो है, देखते हैं क्या है मैटर, क्या है। बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत तमाम शिक्षक लैपटॉप या कंप्यूटर तो छोड़े स्मार्टफोन तक नहीं चलाया, ऐसे शिक्षकों से विभाग डीबीटी मॉड्यूल पर छात्रों की फीडिंग कराने पर आमदा है। देखिए, मैं कहीं की बात पढ़ रहा हूँ और मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है। कभी प्रेरणा ऐप से तो कभी मौखिक तौर पर दूसरी तकनीकी जानकारी देकर जहाँ शिक्षकों को फीडिंग का विवेश किया जा रहा है, दबाव पड़ता देख शिक्षकों ने अब शिक्षक संघों का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन संगठनों की चुप्पी से शिक्षक सकते में हैं। विभाग द्वारा हेडमास्टर को डाटा टैबलेट या अन्य गैजेट दिए बिना ही प्रेटर पोर्टल में सारे काम कराए जा रहे हैं। संगठनों पर दबाव बनाया जा रहा है कि फीडिंग ट्रेनिंग समेत अन्य सभी विभागीय कार्य डिजिटल होने के कारण अब हेडमास्टरों को डाटा व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मुहैया कराया जाए। कोरोना काल में पूरी तरह डिजिटलाइज हुए बेसिक में शिक्षा विभाग ने हेडमास्टरों को संसाधन दिए बिना ही उनके निजी संसाधनों से काफ़ी काम कराए हैं। स्कूल बंद होने के कारण हेड व अन्य शिक्षकों को शुरुआती दौर में स्वेच्छा से काम किया, लेकिन अब नित बढ़ते दबाव से उकताने लगे हैं इन छात्रों के वेरिफिकेशन लेकर अभिभावक खातों फीडिंग का प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। ऐसे शिक्षक जो ऑनलाइन कार्य करने में कमज़ोर हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाखों छात्रों की फीडिंग मुफ्त कराने का प्रयास, तब भी जवान से शिक्षक विभाग पर आरोप लगाने लगे हैं कि लाखों छात्रों की फीडिंग मुफ्त कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विभाग ने ना तो शिक्षकों को कोई बजट या संसाधन दिया और ना ही कंप्यूटर ऑपरेटर काम कराया है। शिक्षक कहते हैं, बिना किसी प्रशिक्षण या जानकारी अचानक तकनीकी काम लादना कहाँ की समझदारी, इसके लिए तकनीकी रूप से समझ होना जरूरी है। लगातार मिलती है वेतन रोकने की घुटकी। शिक्षक बताते हैं कि इन दिनों फीडिंग का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। जिन स्कूलों में अधिक नामांकन है वहाँ काफ़ी समस्या है। बताते हैं कि बीओ आए दिन वेतन रोकने की धमकी देते रहे दबाव बनाकर। तो ये खबर थी, मैंने पढ़ दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो ये समस्या तो है भाई, और इस समस्या का समाधान कोई चीज़ भाई, जो मोबाइल नहीं चला पा रहा है, ख़रीद लिया है, तो उसको भैया करवाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, चाहे वो BRC पे जो ऑपरेटर बैठे हैं वो करें, ठीक है, या फिर सीखें। सीखना तो अब देखो, जो लोग बुज़ुर्ग हैं वो सीख नहीं सकते, नए लड़के देखिए काम होगा लेकिन काफ़ी कठिन। जो लोग जानते हैं भी उनमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है कि डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, क्या सही की जाएगी कि नहीं सही की जाएगी, फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा, और फिर ये बच्चे का रजिस्ट्रेशन इधर का उधर हो गया, इस क्लास से उस क्लास से, ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं खुद ढूंढता रहता हूं। तो कुछ सवालों के जवाब तो मुझे मिल चुके हैं, भैया नाम जो है रजिस्ट्रेशन अगर आपने गलत कर दिया है या ज़्यादा कर दिया है तो बताते हैं BRC से ही होगा और अदर जगह से नहीं हो सकता भाई, तो उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ेगा। और फीडिंग का काम है, और ये भी देखते हैं, चालू तो कर दिया गया है, धीरे धीरे होगा, कोशिश यही रहेगी एक दूसरे की हेल्प करके काम होगा, लेकिन समय तो लग सकता है, काफ़ी समय लग सकता है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सवाल जवाब मुझसे पूछना तो बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए ये चैनल चला रहा हूँ, और आप माइंड मत करिएगा, मुझे हर चीज़ का जवाब भी नहीं मालूम है भैया, हम भी किसी से पूछ लेते हैं, हम कोई सेंटर से तो जुड़े हैं नहीं, हम भी एक वैसे ही हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक कोशिश करिए कि फीडिंग का काम कर लीजिए। बाकी भैया आपके अगर कोई अगर युवा सुनना है तो अपने जो बुजुर्ग टीचर उनकी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि बहुत काम है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो था, फिर मिलेंगे एक और वीडियो, तब तक बने रहिए, नमस्कार।